महाराष्ट्र में एनसीपी के भीतर छिड़ा संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा। एनसीपी के अजीत गुट की तरफ से शरद पवार पर बड़े आरोप लगाए गए। अजीत गुट के बड़े नेता है प्रफुल्ल पटेल। एक अखबार को उन्होंने इंटरव्यू दिया और इसमें शरद पवार पर सीधा निशाना प्रफुल्ल पटेल ने साधा है। प्रफुल्ल पटेल का दावा है कि 2019 में शरद पवार पार्टी विधायकों की राय के खिलाफ गए थे। प्रफुल्ल पटेल के मुताबिक जब राज्य में महाविकास आघाड़ी की सरकार गिरी थी तो एनसीपी के 54 में से 51 विधायक बीजेपी के साथ जाने को तैयार थे, लेकिन तब शरद पवार ने इन्हें रोक दिया था। प्रफुल्ल पटेल का आरोप है उस वक्त एनसीपी का नेतृत्व सही समय पर यह फैसला नहीं ले पाया था। एनसीपी के अजीत गुट की तरफ से शरद पवार पर यह बड़ा हमला किया गया। पार्टी विधायकों की राय के खिलाफ गए थे शरद पवार, बीजेपी के साथ सरकार बनाने से शरद पवार ने रोक दिया था। महाविकास आघाड़ी सरकार गिरने पर यह तैयारी की गई थी, 51 विधायक बीजेपी के साथ जाने को तैयार थे। ये बड़ा दावा है जो प्रफुल्ल पटेल की तरफ से किया गया है, और प्रफुल्ल पटेल की तरफ से जिस तरीके से निशाने पर लिया गया है शरद पवार को, उसके बाद अब यहां सवाल उठेगा कि क्या अजीत गुट ने अपनी रणनीति में तब्दीली की है, क्योंकि रविवार का दिन जब अजीत गुट शामिल हुआ एकनाथ शिंदे सरकार में, तब से लगातार शरद पवार को लेकर बहुत संभल कर बयान और हमला तो बिल्कुल नाके बराबर था, लेकिन अब यहां पर शरद पवार को लेकर रुख बदलता हुआ अजीत गुट का, निशाने पर शरद पवार को लिया जा रहा है, जिन्हें कल तक अजीत गुट के नेता पार्टी का अध्यक्ष बता रहे थे, जिन्हें कल तक अजीत गुट के नेता सम्माननीय नेता बता रहे थे। कल तक अजीत गुट के नेताओं को शरद पवार से आशीर्वाद मिलने की उम्मीद थी, उसके आस में थे वो, और अब ये बड़ी खबर है। प्रफुल्ल पटेल ने एक अखबार को इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में सीधे निशाने पर लिया है शरद पवार को। शरद पवार विधायकों की इच्छा के विरुद्ध गए। 51 विधायक चाहते थे कि बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया जाए, लेकिन शरद पवार ने उनकी नहीं सुनी। बीजेपी के साथ जाने से शरद पवार ने एनसीपी विधायकों को रोका, तो यह सीधा हमला प्रफुल्ल पटेल की तरफ से शरद पवार पर किया गया। हालांकि आप जानते हैं कि कल ही शरद पवार गुट की तरफ से प्रफुल्ल पटेल को एनसीपी से बाहर का रास्ता दिखाया गया। और साथ ही आपको बताते हैं अजीत पवार मंत्रालय के लिए निकले हैं, इस वक्त का ये अपडेट है। अजीत पवार मंत्रालय के लिए निकले हैं, एनसीपी नेताओं की बैठक के बाद मंत्रालय के लिए निकले हैं अजीत पवार, ये जानकारी सामने आ रही है। शिंदे कैबिनेट की बैठक में हिस्सा लेने के लिए अजीत पवार निकल गए हैं। शिंदे सरकार में शामिल होने के बाद ये पहली बैठक है। हम सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी रौनक कुकरे इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं रौनक कुकरे से कि जिस बैठक के लिए अजीत पवार निकले हैं, क्या उस बैठक में तय कर लिया जाएगा कौन सा मंत्रालय किस मंत्री को दिया जाएगा? रौनक जी, देखिए रोमाना, उम्मीद तो यही है कि इस कैबिनेट की बैठक के बाद पोर्टफोलियो जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाए। हमारे सूत्र भी यही बता रहे हैं कि कैबिनेट की बैठक के बाद ये लगभग साफ हो जाएगा कि कौन कौन सा विभाग जो है मंत्रियों के पास अब जाने वाला है। लेकिन प्रमुखता से जो थोड़ी देर पहले आप जिस खबर का जिक्र कर रही थी, प्रफुल्ल पटेल जिन्होंने एक अखबार को इंटरव्यू में जो बड़ी बातें कही है, अनौपचारिक तौर पर भी जब प्रफुल्ल पटेल ने कुछ पत्रकारों से बात की तब भी इस बात का जिक्र किया था कि जिस वक्त महाविकास आघाड़ी सरकार लगभग ये लग रहा था कि महाविकास आघाड़ी सरकार अब गिर सकती है, उस वक्त एनसीपी के 54 में से 51 ऐसे विधायक थे जिन्होंने लिखित तौर पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार से कहा था कि हम बीजेपी के साथ हमें जाना चाहिए। उसके पीछे का कारण है कि राज्य में एक स्टेबल गवर्नमेंट जो है वो दी जा सकती है, और क्योंकि बीजेपी के विधायकों की संख्या अगर देखें तो महाराष्ट्र में 106 बीजेपी के विधायक है और उन्हें जो निर्दलीय विधायकों का समर्थन है उसको मिलाकर 115 ये संख्या हो जाती है। तो बीजेपी काफ़ी स्ट्रांग पार्टी है, और ऐसे में एक स्टेबल गवर्नमेंट रही तो केंद्र सरकार से आने वाले फंड से भी कई जगहों पर विधायकों के काम जो है वो अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में कर पाएंगे। लेकिन इन सब के बावजूद शरद पवार ने जो है वो इन विधायकों की बात नहीं मानी और उसमें काफ़ी देरी कर दी, और उस देरी को आप कहीं ना कहीं अजीत पवार ने
सुधारा है, ये दावा जो है वो प्रफुल्ल पटेल की तरफ से किया जा रहा है। इसे सीधे तौर पर शरद पवार पर एक हमले के तौर पर देखा जा रहा है। देखना महत्वपूर्ण होगा कि शरद पवार प्रफुल्ल पटेल के इस दावे पर शरद पवार का क्या रुख रहता है, क्योंकि रोमाना आज शरद पवार दिन भर मुंबई में है और वे कई लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। उम्मीदें की जा रही है कि कई विधायक भी अब ये पूछा जाएगा ना, रौनक रहिए मेरे साथ में, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ देखिए निधि श्री भी मौजूद हैं वाईबी चव्हाण सेंटर से, साथ ही आप देख रहे हैं मृत्युंजय सिंह तिलक भवन से हमारे साथ जुड़ गए और मेरे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जितेंद्र, अब सवाल तो ये पूछा जाएगा, क्या ये मान लिया जाए कि अब बिना किसी लाग लपेट के सीधी आर पार चाचा और भतीजे के बीच, क्योंकि यहां पर सीधा डायरेक्ट हमला शरद पवार पर और उसकी शुरुआत अजीत गुट की तरफ से प्रफुल्ल पटेल ने कर दी है। जितेंद्र जी हाँ बिल्कुल, कल तक देखिए, कल शाम को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसमें अजीत पवार ने यही कहा था कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख जो है वो शरद पवार ही हैं, और ये भी कहा था कि जो है उनसे बातचीत होगी। और ये जो छगन भुजबल भी इस तरह का बयान दे रहे थे कि जो विवाद चल रहा है वो विवाद खत्म हो जाएगा और दोनों गुट साथ में आ जाएंगे, लेकिन आज जिस तरह का ये बयान प्रफुल्ल पटेल का आया है उससे सीधे तौर पर यही कहा जा सकता है कि अब ये आर पार की लड़ाई हो गई है, सीधी लड़ाई हो गई है शरद पवार गुट के बीच में और अजीत पवार गुट के बीच में। मैं आपको और एक बात बता दूं, जो आज एक अहम डेवलपमेंट होने वाला है वो शिवसेना की ओर से है। शिवसेना प्रमुख जो है उद्धव ठाकरे आज एक बैठक ले रहे हैं, पार्टी के जो तमाम विधायक और सांसद हैं, इसके अलावा पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनके साथ उनकी बैठक होगी और इस बैठक में एक अहम चर्चा इस बात को लेकर होने वाली है कि अब महाविकास आघाड़ी के साथ भविष्य में क्या करना है। इस बात पर भी चर्चा होने वाली है कि क्या अब शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट महाविकास आघाड़ी के साथ आगे कंटिन्यू कर पाएगा या नहीं, क्योंकि देखिए जब जिस तरह से महाविकास आघाड़ी जो है तीन पार्टियों की बनी, लेकिन उसमें से एनसीपी अब लगभग खत्म सी हो गई है, क्योंकि ज्यादातर विधायक जो है वो जैसा कि दावा कर रहे हैं अजीत पवार उनके साथ चले गए हैं, तो वो दो फाड़ हो गई है और कांग्रेस की हालत पहले से ही महाराष्ट्र में पतली है। ऐसे में महाविकास आघाड़ी का अस्तित्व ही संकट में आ गया है और अब इस तीन पार्टियों के गठबंधन के साथ रहना है या नहीं रहना है, इस सवाल पर आज शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट जो है चर्चा करेगा। मैं लौटूंगी आपके पास जितेंद्र, निधि श्री का रुख करते हैं। जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं कि साहब शरद पवार गुट उसकी कितनी ताकत बाकी रह गई है, इसी का आंकलन यहां वाईबी चव्हाण सेंटर में आज हो जाएगा। निधि बिल्कुल रोमाना, देखिए आज रिवोल्ट का एक तरीके से देखा जाए तो तीसरा दिन है और आज के दिन शरद पवार वाईबी चव्हाण सेंटर पहुंचेंगे। हालांकि इस वक्त वो सिल्वर ओक अपने आवास पर है और वहां पर कुछ लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, कुछ विधायकों से, लेकिन आज का दिन अहम इसलिए भी है रोमाना कि अब तक जो है वो एनसीपी दावा कर रही थी कि 54 में से 9 विधायक जिन्होंने शपथ लिया उनके अलावा बाकी सब हमारे साथ है। दूसरी तरफ प्रफुल्ल पटेल और अजीत पवार की तरफ से बकायदा चिट्ठी लिखी गई गवर्नर को और उसमें कहा गया कि 40 विधायकों का समर्थन हमारे साथ है, तो शक्ति का जो टेस्ट है वो आज वाईबी चव्हाण सेंटर पर देखा जाएगा जब शरद पवार पहुंचेंगे और उसके बाद कितने विधायक यहाँ पर मिलने आते हैं, कितने विधायक अपना समर्थन जताते हैं फिजिकली यहाँ प्रेजेंट होकर और ये बताते हैं कि साहब हम आपके साथ हैं। देखिए कल पिछले तीन दिनों में अब तक एक सांसद और दो विधायकों ने यू टर्न लिया है और शरद पवार के साथ आए हैं, जिसमें मकरंद पाटिल है, बाला साहेब पाटिल हैं दोनों विधायक, और इसके अलावा अमोल कोले जिन्होंने ट्वीट करके कहा कि साहेब के साथ हम हैं। क्या इन तीनों के अलावा बाकी विधायक भी शरद पवार के साथ आते हैं? एनसीपी लगातार कह रही है कि हमने तीन दिन का समय दिया है और तीन दिन में आप देखते जाइए कितने विधायक हमारे पास वापस आते हैं, तो आज क्या वापसी होगी, घर वापसी होगी, इसको देखने को यहाँ से मिल सकता है। और शक्ति का एक तरीके से कहा जाए तो ट्रेलर देखने को मिलेगा जब शरद पवार जो है वो यहाँ पहुंचेंगे चव्हाण सेंटर पर, इंतजार किया जा रहा है कि जैसे ही शरद पवार यहाँ पर पहुंचते हैं एक एक करके विधायकों का आना शुरू होगा। जी बिल्कुल, दोपहर 1 बजे ये बैठक बुलाई गई है एनसीपी की तरफ से और अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार संख्या कितनी विधायकों की यहाँ शरद पवार के सामने नजर आती है आज, उसी से पता चल पाएगा कि आखिरकार एनसीपी किसकी, जो दावा किया जा रहा है उसकी सच्चाई क्या है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।